जो लोग कहते हैं कि ट्राइब्स हैं, आज भी अगर ट्राइब्स किसी बड़े घर में जा करके चप्पल निकाल करके ही अंदर एंट्री करता है, उसको उसका घर का ग्लास जो होता है वो बटा होता है, वो बाहर उसका ग्लास रखा होता है, और शायद उसके पुरखे दादा भी आते थे उसी ग्लास में पानी पीते थे, उस वो भी लड़का भी आ रहा था उसी ग्लास में पानी पिएगा, और उसका लड़का भी आएगा तो उसी ग्लास में पानी पिएगा। उस ब्राह्मण के घर में कभी भी उस एससी कास्ट के लिए कभी भी एक बर्तन नहीं रखा जाता। हम यहाँ पे आप वैसे ब्राह्मण के पास हमको हम एसटी से कट हम एसटी से आते हैं, हम रिजर्वेशन को बुरा भी मानते हैं, बिल्कुल हटाना भी चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ रिजर्वेशन को देखते हो, लेकिन हमारे साथ वो कुरीतियाँ हुई हैं या जो समाज में हमारे साथ हो रहा है वो आज तक नहीं देखा किसी ने। वो तो हो गया ना? नहीं नहीं, अब भी हो रहा है, आज भी हो रहा है भैया, आज भी हो रहा है, आदिवासी लोगों के साथ आज भी हो रहा है। हम बिल्कुल हटाई रिजर्वेशन को आपके साथ है, लेकिन आज आपको हमको हक दीजिए जो जनरल को हक है, हमको नहीं देते। एक सेकंड, मंदिर में जाने का कुछ आदिवासी को आज भी नहीं है। तुम कहाँ पे यार, आप पढ़ा करो आदिवासी। नहीं, 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 सुनो भैया, सुनो भैया, आदिवासी एक आदिवासी बच्चा था इतना बड़ा, उसने मटकी से पानी पी लिया था। प्रिंसिपल जी से देखा जाता है कि कट ऑफ आई है मैथमेटिक्स ऑनर्स की, आप चेक कीजिए एससी एसटी में जिस बच्चे ने फॉर्म भरा था वो सेलेक्ट हुआ है। मुझे आप ये बताइए भैया, ये बात सही है, ये बताइए मुझे कि समाज में आदिवासी को, आदिवासी लोगों को किस नजरिए से देखा जाता है? आप बोल रहे मंदिर वाली बात, मंदिर की हुई या समाज में पानी वाली हुई, कोई अगर कोई जनरल का कास्ट का या शर्मा का पंडित का इस पर बोल रहा हूँ, कोई पी के देखा आदिवासी घर पानी भी नहीं पीता बहुत सी जगह पे। चलो भाई सुनो सुनो सर, हॉस्टल में कितने एसटी हैं जिसके साथ हम बैठ के खाएंगे? पॉलिटिक्स खेल ली जाती है हर चीज। क्या बोल रहे वो भी जरूरी है, पॉलिटिक्स जरूरी है। कितना जरूरी है पॉलिटिक्स बताइए, अपनी जिंदगी इसके बिना नहीं चलेगी ना। हम एक लोकतांत्रिक देश में होते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में होते हैं। आरक्षण गलत है? हाँ भैया, आरक्षण बहुत ज्यादा गलत है, बोलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा हम बिल्कुल जज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिसको मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है, जैसे कि कोई नवोदय में पढ़ लिया तो आरक्षण से गया, उसका 12 से भी आ गया तो उसको 230 नंबर में बीएचयू मिल गया, बीएससी में यहाँ भी आरक्षण मिल गया उसको, अब आगे जाएगा एमएससी में भी मिल जाएगा, तो वो गलत है। जो कंटिन्यूस उसको आरक्षण का फायदा देके कम नंबर में आ जाते हैं वो चीज गलत है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। वही पूछ रहे, इसलिए कौन सा रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हम कौन सा रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कोटा एक अलग कोटा, किस स्पोर्ट्स? ये जनरल हम बताते हैं ना, हम एसटी से कट, हम एसटी से आते हैं, हम रिजर्वेशन को बुरा भी मानते हैं, बिल्कुल हटाना भी चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ रिजर्वेशन को देखते हो, लेकिन हमारे साथ वो कुरीतियाँ हुई हैं या जो समाज में हमारे साथ हो रहा है वो आज तक नहीं देखा किसी ने। वो तो हो गया ना? नहीं नहीं, अब भी हो रहा है, आज भी हो रहा है भैया, आज भी हो रहा है, आदिवासी लोगों के साथ आज भी हो रहा है। हम बिल्कुल हटाई रिजर्वेशन को आपके साथ है, लेकिन आज आपको हमको हक दीजिए जो जनरल को, हमको नहीं देते। एक सेकंड, मंदिर में जाने का कुछ आदिवासी को आज भी नहीं है। तुम कहाँ पे यार, आप पढ़ा करो आदिवासी। नहीं, 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 सुनो भैया, सुनो भैया, आदिवासी एक आदिवासी बच्चा था इतना बड़ा, उसने मटकी से पानी पी लिया था प्रिंसिपल के से, उसने थप्पड़ दे दी थी, उस बच्चे की जान चली गई थी। नहीं यहाँ की नहीं, हम पूरा आरक्षण की बात कर रहा हूँ, कॉमन एक पर्सन बात कर रहे हो, तुम्हारे देश के प्रेसिडेंट कैसे कहाँ से है, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो पॉलिटिक्स है, पूरी टोटली पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स तो यहाँ भी है ना। अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हो, ठीक है, आप एससी कैटेगरी से हो, आप ओबीसी से हो, आप जनरल से हो, ये कैटेगरी क्यों आ रही है आज चलाने के लिए, क्या जरूरी है पैसा? आप इनकम के बेस पे क्यों नहीं कर रहे आरक्षण? आप एक जनरल, एक जनरल, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, सुनिए, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरे चाचा का मेरे चाचा हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली है हमारी, हमारे यहाँ पे एक फैमिली में मेरे फादर पढ़ पाए हैं और मेरे बाकी चाचा नहीं पढ़ पाए ड्यू टू इनकम, ठीक, उनको तो नहीं मिल रहा यार, उनको तो नहीं मिल रहा ना कोई आरक्षण, क्या जनरल हम है? अगर हम जनरल तो फिर आप क्यों सिंगल को देख रहे हो? आप भी तो आपकी सारी कम्युनिटी को नहीं रोक रहे हैं, आप ऐसे लोग ऐसे, उनको मंदिर आज तक नहीं जाया जाता, मंदिर नहीं, सुनो भैया, जनरल में पैदा ले लिया तो वो अमीर ही होगा। आपकी मेरी गलती नहीं है, वो जो पूर्व जो पहले करेगा ना उसकी गलती है भाई, समाज में जो हो रहा है। एक सेकंड, रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बार बार रिजर्वेशन मिल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन स्तर बढ़ाओ ना, स्तर बढ़ाओ उस समाज में, हमको बराबर लाओ। आपका कहना था कि मंदिर में आज भी घुसने नहीं दिया, हमको बराबर लाओ समाज में। सच्ची है कि हाँ, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनमें वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो उनका हिस्ट्री रही है तो वो एक्चुअल पीछे हैं, तो उनको आने में टाइम लगेगा, तो ये जो आगे आ गए हैं, इसमें सिविल सर्विस होती है, जैसे जज हुए, आईएएस ऑफिसर हुए, जो अभी यूपीएससी की रैंकिंग आई थी ना, उसमें एसटी एससी और जनरल का वो देखो, शायद 14% या कुछ परसेंटेज था एसटी का, और 70% कुछ जनरल का था, तो हमें वहाँ उच्च स्तर की नौकरी हमें नहीं दी जाती, कभी समाज में वो स्तर पहुँचाया नहीं गया ना।
उसमें क्यों नहीं दे रहे? तो रेलवे में ग्रुप डी सबसे नीचे भर्ती होती है, उसमें कितने जनरल वाले और एसटीएससी वाले, सिर्फ एसटीएससी वाले नौकरी करते हैं। क्यों क्यों साल अभी जो ग्रुप डी का आया था बिहार में कितना सौ लोग हैं? एक मिनट, इस देश में 100 लोग हैं, 80 लोग जनरल हैं, 10 लोग एससी एसटी हैं, 10 लोग ओबीसी हैं, ऐसा ही है। आप जाके चेंज, आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, मैं सर्वे देख के बता रहा हूं, 2011 का जो सर्वे आया है, आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। जब सिलेक्शन होगा तो जो 100 में से 80 लोग हैं, जाहिर सी बात है 70 लोग की सीट आई है तो 80 लोगों ने ज्यादा फॉर्म भरा होगा। आप प्रोबेबिलिटी सबको जनरल, सबको जनरल करो, सबको जनरल करो, फिर क्यों नहीं करे? फिर बिल्कुल सही पॉलिटिक्स, अगर आरक्षण इतना ही सही है तो आर्म फोर्सेज में जैसे कि एनडीए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, यहाँ पर आरक्षण क्यों नहीं है? और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज तक कोई हुआ है तो सुदामा हुआ है, इससे ज्यादा गरीब कोई था एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मेरी स्पेशल दरखास्त है। न्यू आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर पुराना कैसे हट सकता है? पुराने को हटाने के लिए नया नहीं देना पड़ेगा ना? नया नहीं देना पड़ेगा, नए को मत दो, पुराने को हटाने के लिए 15% EWS करके दिया गया है ना। देखिए आरक्षण का खत्म स्पेशली दिया नहीं जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अगर किसी को खत्म करना है तो 0% करो, बिल्कुल खत्म करो, लेकिन खत्म जो करके नया देते तो पीछे पुराना कैसे हट जाएगा? खत्म कुछ आरक्षण का दिक्कत ये है, 70 साल से चला है लेकिन जो काम के लिए किया गया था वो काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है? जो सिस्टम में कहीं ना कहीं जो नीची जाति जो अभी बोलते हैं ऊपर जाति नीचे जाति, तो जो नीची जाति है उनको लेवल में लाने, ऊपर लाने के लिए, ठीक है? लेकिन आप देखोगे आप जो नीची जाति में भी दो ग्रुप बट गए, जो अमीर वाले हैं वो रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन उठाए जा रहे हैं, वो ले रहे हैं सिविल सर्विस में, उनके माँ बाप भी है, दादा भी है और वो खुद भी अभी जाएंगे, ठीक है? 2015 कॉन्स्टेंटली होता है। और नीचे जो नीचे जाति में जो नीचे रह गए, जो गरीब रह गए, उनको पता भी नहीं उनको आरक्षण मिलता है, ठीक है? ऐसे बहुत आपको परिवार मिलेंगे उनको ये भी नहीं पता आरक्षण जैसी कोई चीज होती है उनके लिए, वो पढ़ते भी नहीं है। क्या बाबा साहब ने ऐसा बोला था कि जब सब लेवल अप हो जाए, दिक्कत ही हो रहा है ना, एक ही ग्रुप ऑफ लोग बार बार उठा रहे हैं समाज में, या तो उसको रोको ताकि जिनको मेन चाहिए वो यूज कर पाए। कट ऑफ आई है मैथमेटिक्स ऑनर्स की, आप चेक कीजिए एससी एसटी में जिस बच्चे ने फॉर्म भरा था वो सेलेक्ट हुआ है। मुझे आप ये बताइए भैया, ये बात सही है, ये बताइए मुझे कि समाज में आदिवासी को, आदिवासी लोगों को किस नजरिए से देखा जाता है? आप बोल रहे थे मंदिर वाली बात, मंदिर की हुई या समाज में पानी वाली हुई, कोई अगर कोई जनरल का कास्ट का या शर्मा का पंडित का इस पर बोल रहा हूँ, कोई पी के देखा आदिवासी घर पानी भी नहीं पीता बहुत सी जगह पे? चलो भाई सुनो सुनो सर, जनरल नॉर्मल भैया आरक्षण नॉर्मल खत्म करें इसको, देखिए जैसे आरक्षण की बात नहीं होगी, आरक्षण की बात अगर किसी का 520 आ रहा है, किसी का 80 मार्क्स पे हो जा रहा है, तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं। जैसे किसी का, मेरे दोस्त का, मेरा नाम आलोक दुबे है, कितना नंबर है सीवी? मेरा 400 है, मेरे दोस्त का 520 है, और किसी का अगर एससी एसटी का कटअप देखें तो 600 में 80 नंबर, मतलब डिफरेंस देखिए कितने का है। और बैक किन बच्चों की लगती है? उन्हीं की लगती है, वो बच्चे ही सुसाइड करेंगे फिर आगे। जैसे कल आप 3 साल का कोर्स, आप ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक चीज समझिए, एक बच्चा 600 में से 80 नंबर लेके आया, ठीक है, उसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ की जो पढ़ाई है वो तो उनने उस हिसाब से पढ़ाई, जो बच्चे चार एवरेज मार्किंग कितनी, 300 नंबर के हिसाब से टीचर ने पढ़ा दिया, पेपर हुए,
मैं ये नहीं कह रहा उसकी लगेगी लगेगी, मेजोरिटी केस में क्या होगा, जो बच्चा पहले से थोड़ा कम था, डाउन था, उसकी फिर से वो फेल हुआ, फिर से फेल हुआ में भी रिजर्वेशन दो कॉलेज में। अब कॉलेज में तो नहीं है ना, बर्ड बोला ना कि वो बच्चे की अक्सर जो बच्चा कमजोर होकर आता है, मतलब जो सीटी रिजर्वेशन लेके आया है वो बच्चे की बैग लगती है। आपकी आइडियोलॉजी, आपका माइंडसेट क्या है? अगर आप कमजोर से आ रहे हो, कमजोर रहेगा। दोस्त हैं आप लोग यार, झगड़ा नहीं, झगड़ा हम एक सेकंड अराजकता की बात नहीं, सुनिए बस करें। हेलो, आइए भैया, बात दरअसल ये है कि यहाँ पे दोस्त है, वाद विवाद डिस्कशन डिबेट होते रहना चाहिए, और आरक्षण की बात करें तो नहीं ही करें, लेकिन करें। जो लोग कहते हैं कि ट्राइब्स हैं, आज भी अगर ट्राइब्स किसी बड़े घर में जा करके चप्पल निकाल करके ही अंदर एंट्री करता है, उसको उसका घर का ग्लास जो होता है वो बटा होता है, वो बाहर उसका ग्लास रखा होता है, और शायद उसके पुरखे दादा भी आते थे उसी ग्लास में पानी पीते थे, उस वो भी लड़का भी आ रहा था उसी ग्लास में पानी पिएगा, और उसका लड़का भी आएगा तो उसी ग्लास में पानी पिएगा। उस ब्राह्मण के घर में कभी भी उस एससी कास्ट के लिए कभी भी एक बर्तन नहीं रखा जाता। हम यहाँ पे आप वैसे ब्राह्मण के पास हमको सुनिए, ये डेटा क्या है ना, ये डेटा पता है पढ़े लिखे लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए ठीक है, तो ये था टॉपिक पूरा, और सीयूईटी के लिए अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, ये बीएससी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट थे जो कि बीएचयू में एडमिशन लिए आए हैं, और कमेंट अगर कुछ छूट गया हो, बहुत सारी बातें हुई और हमें लगता है बहुत कुछ छूट भी गया और बहुत एक्स्ट्रा भी बातें हो गई हुई ना, कि आपने जो भी हमारा समय व्यर्थ किया, आधे घंटे आरक्षण में बात किया, तो क्या इस आरक्षण पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? आपने अपने मजे के लिए हमसे पूछ लिया, हमने कुछ छोड़ने वाले हैं, टाइम पास के लिए क्यों पूछा हमसे? हमने इस वीडियो में इसको एडिट मत कीजिएगा, एक सेकंड आओ। बात दरअसल ये है कि इस वीडियो को अगर कोई कंटिन्यू देखेगा तो उसको पता चलेगा कि आरक्षण का नाम हमने नहीं, बीच में किसी छात्र ने लिया था, और ये डिस्कशन छात्र से स्टार्ट हुई। आप वहीं पे रोक देते ना? नहीं, ऐसे नहीं रोक सकते। हम लोग भैया ने रोका है यार, लायक भैया ने रोका है यार, बात भैया ने, आपने 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 अभी बोला रोक दिया है, क्या बात होना चाहिए रह रहे सामान समाज में, ओए बेल्ट निकालो आरक्षण, ठीक है सुनिए, ऐसे अभी हॉस्टल में क्या ऐसे मत, आपने अभी जो बोला कट नहीं करने के लिए तो हम उसको नहीं कट करेंगे ना, तो हमें भी बीच में जो जिसने टोक करके आरक्षण के बारे में बात की, हमने नहीं टोक उसको, नहीं हमने कट करने का सोचा, हम सोचे कि इसकी भी बातें सुननी चाहिए, बार भी होनी चाहिए, रियलिटी जाननी चाहिए, तो माइंड में बार भी आनी चाहिए, और हम दबाने के लिए नहीं, हम चीजों को दिखाने के लिए। आपके जाने के बाद क्या होगा, हम लोग में झगड़ा हो सकता है? नहीं, तो दोस्तों बस ये रहा टॉपिक, और इस चीज पे पूरे वार्तालाप पे आप क्या भरोसा रखते हैं, कितनी आपकी क्यूरी है, और क्या आप समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में लिखेगा, और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप भैया बीएचयू का आईएमएस का बाथरूम